రైట్ ఇక శ్రీహరికోటలో ఎస్ఎస్ఎల్ డి3 ని ప్రయోగించబోతున్నారు దానికి సంబంధించి లైవ్ చూద్దాం ఎక్స్‌పెరిమెంట్ సిరీస్ ఆర్ కంప్లీట్ ఆన్ 22nd ఆఫ్ జూలై ఇస్రో కండక్టెడ్ ఫ్లైట్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ ఫర్ డెమోన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ బ్రీదింగ్ ప్రొపల్షన్ టెక్నాలజీ త్రూ ద లాంచ్ ఆఫ్ RH-560 సౌండింగ్ రాకెట్ ఫ్రమ్ ఎస్డిఎస్సి షార్ టుడే వి ఆర్ గియరింగ్ ఫర్ ద ఎస్ఎస్ఎల్వి డి3 EOS-08 మిషన్ ఫ్రమ్ ఎస్డిఎస్సి షార్ We are about 1 minute 30 seconds from the launch. अब हम लगभग 1 मिनट 20 सेकंड की दूरी पर हैं उड़ान से. सर्वप्रथम प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू होगा T0 पर. यह मिशन दक्षिणी पूर्वी दिशा का मिशन है. इस मिशन के पूर्ण परिपथ के ट्रैकिंग के लिए रडार स्टेशन में शार, त्रिवेंद्रम, पोर्ट ब्लेयर, सिंगापुर और यत्रगा स्थित रडार स्टेशन इस पर निरंतर नजर बनाए रखेंगे और हम तक वास्तविक समय पर यान की सभी गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस सुचारू रूप से जारी है. अब कुछ ही समय पर हम देखेंगे प्रज्वलन. -30 सेकंड्स. रियल टाइम प्रोग्राम्स एक्टिवेटेड. -25 सेकंड्स. -20 सेकंड्स. -15 सेकंड्स. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Normal. Superb liftoff of SSLV D3 EOS-08 mission. Sleek rocket searing through the skies. जी हाँ, यह सफलतापूर्वक उत्थापन SSLV D3 लॉन्च व्हीकल का और यह अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है. सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए. क्लियर वेदर हियर इन श्रीहरिकोटा एंड अ गुड विजिबिलिटी फॉर द फ्लाइंग रॉकेट. यह तीसरी उड़ान एसएसएलवी की अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करते हुए यह प्रमोचन यान निकल चढ़ा है अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर. द एक्शन टाइम ऑफ SS-1 इज 115 सेकंड्स. फ्लेक्स नोजल फॉर पिच एंड योर स्टीयरिंग. फिन टिप एक्चुएशन फॉर द पैसिव रोल कंट्रोल. फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल. यहाँ प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य. इसका कार्यकाल लगभग 115 सेकंड का होगा. इस दौरान यह लगभग 2500 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता हुआ यान को दिशा की ओर ले जा रहा है. ऑल्टीट्यूड ऑफ क्लोज टू 68 किलोमीटर्स इन 114 सेकंड्स. +2 मिनट्स. शार एंड त्रिवेंद्रम ट्रैकिंग स्टेशंस आर करेंटली एक्वायरिंग द डेटा. स्टेज इग्नाइटेड, फर्स्ट स्टेज सेपरेटेड. जी हाँ, इस कड़ी में जैसा निर्धारित था द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है तथा प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है. वी नाउ हैव द कंफर्मेशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ एक्शन ऑफ फर्स्ट स्टेज इट्स सेपरेशन एंड द सेकंड स्टेज ऑलरेडी हैज कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन. द्वितीय चरण भी ठोस नोदक पर आधारित चरण है. इसमें लगभग 7.7 टन का ठोस नोदक है और इस प्रज्वलन के दौरान 234 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है. The payload fairing has been separated from the ongoing launch vehicle.
SS2 currently operational? Plus 3 minutes. यहाँ भूष्मा कवच की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, जैसे कि यान घने वातावरण से बाहर जा चुका है, तो इसे यान से पृथक कर दिया गया है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में द्वितीय चरण SSLV का प्रज्वलन रत है। Around 200 kilometers altitude. Shah Trivandrum and Port Blair stations have currently the visibility of the flight path. यह चरण लगभग 109 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर शांत हो जाएगा, फिर इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। प्लस 4 मिनट्स। इस दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है, इसका अर्थ है वह अपने संवेदक से संकेत प्राप्त कर अपने दिशा निर्धारण स्वयं कर रहा है। अब SS2 का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वह बंद हो चुका है। उसके साथ ही SS2S3 कोस्टिंग फेज जारी है। यह कोस्टिंग फेज लगभग 163 सेकंड तक जारी रहेगा। Vehicle is in combined hosting and performance is normal. The second stage SS2 has completed its operation, but presently still with the ongoing rocket and combined coasting is in progress. दर्शक दीर्घा में यह साफ दिखाई दे रहा है, उन्होंने भरपूर आनंद लिया है प्रमोशन का। प्लस 5 मिनट्स। SS2, SS3 का कोस्टिंग फेज जारी है। इस दौरान आपको उपग्रह के बारे में संक्षिप्त विवरण देते हैं। EOS-8 नवीनतम उपग्रह की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रदर्शन करने जा रहा है। इसमें संचार, बेसबैंड भंडार और पोजिशनिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक पैकेज को एकीकृत कर एवियोनिक सिस्टम तैयार किया गया है, जिससे यह बहुद्देशीय एकल और सक्षम यूनिट बन गया है। इसमें कमर्शियल ऑफ द शेल्फ घटकों का इस्तेमाल कर कोल्ड रिडंडेंट सिस्टम तैयार किया गया है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चरल पैनल में ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड अंतर्निहित किया गया है। इसके अलावा इसमें बैटरी, ड्यूअल जिम्बल एंटीना, फेज एरे एंटीना और लचीला सोलर पैनल लगाया गया है। इनमें से हर एक घटक ऑनबोर्ड तकनीक का प्रदर्शन करने जा रहा है। US-8 उपग्रह के तीन मुख्य नितभार हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और सिलिकॉन कार्बाइड पैरामैग्नी डोजीमीटर। यह उपग्रह आधारित निगरानी, आपदा निगरानी, पर्यावरण, आग का पता लगाना, ज्वालामुखी, औद्योगिक और बिजली संयंत्र आपदा निगरानी जैसे कई अनुप्रयोगों के लिए तैयार किया गया है। इसे दिन व रात, मध्य व दीर्घ तरंग में इंफ्रारेड बैंड में प्रतिबिंबों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। जहां रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने अभी इसकी पुष्टि की, द्वितीय चरण को यान से पृथक कर दिया गया है और तृतीय चरण का सफलतापूर्व प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We just now have had confirmation from the range operations director that the second stage has been separated and the third stage has commenced its operation and is performing nominally. Third stage also is a solid rocket propellant based stage with 4.5 tons of propellant loading. वर्तमान में SSLV का तृतीय चरण SS3 प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इसमें लगभग 160 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है। इसका कार्यकाल लगभग 110 सेकंड का होगा। During the
110 seconds of operation, the stage carries the rocket to 475 kilometers altitude, imparting 7.2 kilometers per second velocity. Third stage performance normal. Whatever velocity and attitude remains to be added or curtailed is done by liquid propellant based velocity trimming module. Nominal thrust for third stage motor is 160 kilonewtons. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करते हुए यान अपनी उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ रहा है. अब कुछ ही समय पर हम देखेंगे जब SS-3 उद्दिष्ट कक्षा में यान को ले जाएगा. स्टेज एक्शन कंप्लीटेड.